और जो ईश्वरीय आशीष पितरों के अनुग्रह उनके पुण्यों को विस्मृत कर देता है वो व्यक्ति जयी नहीं रहता। आनंददानंद, दूसरों के आनंद का जो कारण है वो नंद बाबा है। गोकुल, जहां इंद्रियां शांत हो गई है, ऐसा साधन। और पारमार्थिक साधन प्राय गोपनीय होते हैं। जितनी चीज प्रकट होगी उतनी स्थूल होती है, जितनी चीज प्रकट होती जाएगी वो उतनी स्थूल, उतनी लाउडी, उतनी नॉइजी, और वो उतनी ज्यादा प्रदर्शित हो रही है जो चीज, वो उतनी स्थूल। अगर आपके पास में अंतः सामर्थ्य है, ऐन्द्रिक सामर्थ्य है, आध्यात्मिक प्रभाव है, तो उसका वर्चस्व, उसका प्रभुत्व हो सकता है दूसरों को न दिखाई दे, क्योंकि वो धन नहीं है, मान संपदा नहीं है, वो उच्च पद नहीं है, वो गहने आभूषण नहीं है। एक आध्यात्मिक प्रभाव जब व्यक्ति में प्रकट होता है तो कई बार नहीं दिखाई देता, वो उसी को आनंदित कर रहा होता है, क्योंकि वो बड़ा संयम है, वो बड़ी सरलता है, वो बड़ा निर्दोष, एक ऐसा दिव्य आनंद है जिसमें आप भगवान के रस में भीगे होते। जो पावर है वो डिस्प्ले होती है, वो नॉइजी है, वो लाउडी है, विजिबल है, पर स्ट्रेंथ इज नॉट विजिबल, स्ट्रेंथ इज नॉट लाउडी एंड नॉइजी, वो दिखती नहीं है। साधु महात्माओं के पास, साधकों के पास, अथवा जो सभ्य श्रेष्ठ चरित्रवान सत्पुरुष होते हैं उनके पास जो सामर्थ्य है वो दिखेगी नहीं। हाँ, पावर दिखने लगती है कि अब ये कुछ बन गए, और बन गए तो ये बन गए, तो फिर तो दिखेगी, वो उसका शोर भी मचेगा, वो आवाज भी करती है, वो दिखती भी लाउडी, शोर मचाती है। एक पद पे बैठ जाने के बाद 25 आदमी आपके पास, शोर मच गया। अब पद नहीं है तो कहां शोर मच रहा है। हो सकता है पावर आने के बाद एक वर्चस्व दिखे, यानी प्रभाव, पावर करते सत्ता, भौतिकी, आर्थिक, पदार्थगत, ऐन्द्रिक, शारीरिक सत्ता को। हो सकता है कि कोई पदार्थगत, आर्थिक अथवा भौतिकी उत्कर्ष हो जाने के बाद चारों ओर आपका हल्ला मच जाए, बड़ा आदमी बन गया है, और क्या बात है, बहुत बड़ा हो गया। लेकिन साधन की जो सामर्थ्य है, साधन से जो आपको आध्यात्मिक साधन से जो वर्चस्व मिलेगा, स्वयं को संभालने की, अंतःकरण के अंतर के आनंद की जो आपको अनुभूति होगी वो कुछ और ही है। कहें किससे, सुनाएं क्या, चखा जिसने वही जाने। कहें किससे, सुनाएं क्या, चखा जिसने वही जाने। जैसे गूंगो मीठे फल को रस अंतरतन में, वो जो गूंगा है ये बताया जाने वाला है। गूंगा भी नहीं बता पाता और फल के रस को तो आप भी नहीं बता पाते, मीठा इतना ही कह पाते हो, पूरा अभिव्यक्त कहां हो पाता है। बहुत कुछ कहने के बाद भी स्वाद व्यक्त नहीं कर पाते आप। लेकिन ये जो आध्यात्मिक रस है इसे कौन अभिव्यक्त करे, अभिव्यक्त हो ही नहीं सकता, ये कथनीय नहीं है, वर्णनीय नहीं है, प्रकाश में नहीं आता, अकथनीय है, अवर्णनीय है, अनिर्वचनीय है, अनिर्वचनीय, इसे आप व्याख्यायित नहीं कर सकते, इसे परिभाषित नहीं कर सकते।